हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्राचित स्वर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं यहाँ ऑलरेडी कुछ काम कर रही हूँ। तो हाँ, मैं छठ की प्रिपरेशन कर रही थी जो कि ये कल की है और आप लोग को आज मिल रही है। तो छठ बीत चुका है एंड हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं ठेकुआ मतलब कि खजूर या फिर आप लोग खास्ता बोल सकते हैं, हम लोग खास्ता बना रहे थे और उसमें मेरी जो सबसे छोटी भतीजी है उन्होंने ये शूट किया था और मेरी जेठानी जी ने भी मुझे कुछ कुछ सामान ला करके हेल्प किया था। तो कैसे कैसे करके मैंने इसको ठोक दिया था, फिर थोड़ा बहुत मिलके हम दोनों ने कर लिया था इसको। एंड बस आप लोग देखो, मैं एक साथ जल्दी करने के लिए तीन तीन कर रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और 2:30 बजे के बाद हमें जाना भी था क्योंकि पहले भाभी जी आश्रम जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग छठ घाट पे जाते हैं। तो पहले तो ऐसा सच कुछ प्लान नहीं था कि मैं छठ घाट जाऊँगी, बट बाद में मुझे पता चला कि जा सकती हूँ मैं। और फिर मुझे भाभी ने भी 2-3 बार बोला कि चलो चलो, फिर मैं बोली कि अच्छा चलो। फिर कुछ था नहीं करने को तो मैंने सारी सफाई वगैरह हो गई थी हम लोगों की और हम लोग फ्री हो चुके थे। तो फिर चली मैं और देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बनाया हमने मैंने ठोका इन सबको और भाभी जी ने और मैंने मिल करके इसको थोड़ा बहुत तल लिया। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना किस किस को पसंद है ये और आप लोग के घर में कैसे बनता है। इसकी रेसिपी तो मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि भाभी जी ने उसको सान के दिया था मुझे, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि मतलब आइडिया है, मैं खुद बनाती हूँ बट के लिए खुश है का उन्होंने साना था तो मेरी को इतनी कपड़ा भी आ गया। और आंटी का कपड़ा कहाँ है, कौन सा कलर है बताइए। आंटी का ऑरेंज नहीं है वो तो कल पता चलेगा। लड्डू का कौन सा कलर का आएगा, खाना खाए हैं आप? इसी कलर में का है लड्डू के लिए। नहीं, लड्डू का तो बदलाएगा ना अभी। हाँ, तो इसी में का है, वहीं पर वहीं पे है। हाँ। तो इसी में का आ जाएगा। आपका पीला ही है? मेरा पीला नहीं है बब्बू, लाल है। मम्मी का पीला है, ओहो इसीलिए पीला लाए हैं मम्मी बेटा। फिर अर्णव से बात करते करते ये थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था हमने मैंने कर लिया और मेरा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। ये लकी भी मुझे हेल्प करती है, ये मेरी सबसे छोटी भतीजी है और इन्हें मेकअप इतना पसंद है। तो हम मैं जब भी रहती हूँ मेरे से सभी बात करते रहते हैं, मैं करते रहती हूँ तो मुझे इतना पता नहीं चलता कि मेरा टाइम पास हो जाता है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि आप सर पे पल्लू रखते हो या क्यों नहीं रखते हो या क्या करते हो, तो मैं मायके में नहीं रखती बट ससुराल में रखना होता है। और यहाँ मैंने वेयर किया है अपनी मम्मा की साड़ी जो कि बहुत पुरानी है और मुझे मिल गई। मुझे जाना तो था नहीं बट थोड़ा रेड क्रीम में था तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहन लेती हूँ। और मैं इसमें बहुत मोटी लग रही हूँ क्योंकि ये मैंने वैसे अपोजिट डायरेक्शन में पहना था। ये है छठ घाट हमारा और यहाँ मेरी पूरी फैमिली है। कल के वीडियो में आप लोगों को दिखेगा या फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिख जाएगा कि मैं क्या मेरे घर के जितने भी लोग हैं मतलब मेरे पूरे ख़ानदान के लोग इंक्लूडिंग मेरी जेठानी जेठानी को, तो आप इसी वीडियो में देखोगे आगे, तो उनको देखने के लिए कंटिन्यू वॉचिंग। और यहाँ मैं हूँ घूंघट में क्योंकि मैं अभी थोड़ी नई नवेली में ही काउंट होती हूँ क्योंकि अभी 3 साल हुए मेरी शादी को तो थोड़ा फेस ढक के रखना पड़ता है। और जनरली शाम में नहीं आते कोई भी बहू वगैरह बट मैं गई थी तो सभी मुझे देख रहे थे तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। तो मैं थोड़ा नई भी थी तो मैं ढक कर के रखी। फिर हम लोगों का पूजा हुआ और बच्चे यहाँ सारे हाय कर रहे हैं, आप सुन सकते हो। भाई तुम भी हाय बोलो, हाय से हाय, हाय बोलो से हाय, से हाय। यहाँ पे मैं लड्डू की गोभी बैठा ली थी क्योंकि वो पटाखे देख के बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसको गोद में बैठाओ। और ये मेरे घर के सारे बच्चे थे जो छोटे छोटे थे,
तो मेरे भतीजा भतीजी लोग और यहाँ अर्घ दे करके सब लोग वापस जा रहे थे। मैंने अर्घ वाला कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही हो गई थी, लेट गई थी मैं, बस आशीर्वाद लेने के लिए गई थी थोड़े टाइम के लिए। और यहाँ बस हम लोग घाट से वापस जा रहे हैं और बस उसके बाद घर में हमारे कोसी भरना था तो बस निकले हम लोग घर के लिए। और आप लोग आगे देखते रहो कि हम लोग कोसी कैसे भरे। वैसे मैंने पूरा प्रोसीजर उसमें कैप्चर किया है, बट आप लोग उसको देखो, इंजॉय करो। फाइनली हम लोग आ गए हैं छठ घाट से और अब होने वाला है कोसी। तो कोसी थोड़ी देर में भराएगा और मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, बट चली गई। तो अब आगे का प्रोसीजर आप लोग खुद देखेंगे। तो बस ये कोसी भर रहे थे हम लोग क्योंकि अब इस साल हमारा एक नया शॉप हुआ है, तो बस उसके लिए हम लोगों ने नया कोसी भरा। और आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी पेंट वगैरह की, तो वो इसलिए क्योंकि हमारा हार्डवेयर का शॉप है और पेंट वगैरह का भी है। तो आई थॉट कि जो है भाई मैं वो शेयर करूँ, तो बस मैंने वैसे ही बेझिझक कैप्चर किया। मुझे नहीं पता बहुत लोग कमेंट करेंगे, बट हार्डली मैटर्स क्योंकि मेरा जो घर है वो है, अब आई एक्सेप्ट दैट वे ओनली। और बहुत खुश हैं सारे, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे मिली है ऐसी फैमिली। बाकी मुझे जो शेयर करना था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कोसी का मुझे शेयर करना था, ये मेरे सबसे बड़े भतीजे हैं जिन जो बांध रहे हैं ये, क्योंकि ये उस टाइम नहीं नहाए थे शाम के टाइम पे, इतनी ठंड थी फिर भी। तो बस मेरी जेठानी जी ने हेल्प किया और उनका फास्ट था 2 दिन का, तो कोसी भरा उन लोगों ने। क्योंकि जब भी कोई नया काम होता है तो हमारे घर में कोसी भरते हैं, चाहे मायका हो या ससुराल हो, तो हम लोग बस कोसी भर रहे हैं। और भरने के बाद फिर उसके बाद से हम लोग नॉर्मल अपना डिनर वगैरह करेंगे, बट अभी भाभी नहीं करेंगी, अगले दिन ही करेंगी। तो वो ब्लॉग आप लोगों को मे बी बाई नाइट मिलेगा, तो मे बी आप लोग उसको देखना 9 o'clock और अराउंड नाइट। तो और एक और सरप्राइज है और वो दिखेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वो तो तोड़ दिया फूल का पूरा, आप लोग आगे गाइज। हम लोगों का कोसी वगैरह सब कुछ हो गया और अब हम लोग खा रहे हैं लिट्टी चोखा, जो कि आज जेंट्स टीम ने बनाया। ये लिट्टी उन लोगों ने बनाया है, डार्क दिख रहा है ये। और चोखा भी इन लोगों ने ही बनाया है, बैगन और आलू का। बादाम की चटनी मैंने बनाई है और धनिया चटनी भी मैंने बनाई है और मूली। और ये मेरी बड़ी भतीजी,
मस्त लग रहा है, मस्त। ये इनके पापा ने बनाया है, यानी हमारे भैया जी ने, यानी जेठ जी ने और इन्होंने मिलके बनाया है। आप जब वीडियो में आते खाते ही रहते, या तो संतरा खाते हैं या तो खाना खाते हैं। सरक गया, ऊपर नीचे बैठ के खा रहे हैं। वहाँ एक है पानी दे रहा है। वाह, इतना तो सेंस हो गया ना, देखो गिराएगा वो पानी। पकड़िए अर्णव जल्दी, अर्णव जल्दी पकड़िए। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी आ, जल्दी आ, वेरी गुड। क्लैप कर रहा है वो भी।